हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे 19 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे आपने पूछा है मैं यहाँ पे कवर करूँगा। लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट वीक मार्केट कैसे था। वैसा जो लास्ट वीक था बहुत छोटा था, 3 ट्रेडिंग सेशन थे और मार्केट थोड़ा जो लास्ट वीक में कंफ्यूज लग रहा था कि एक बार डाउन अप डाउन लग रहा था। लेकिन जब भी फ्राइडे को मार्केट ने जो है कि डाउन से लो से 10,900 से जो एक रिकवरिंग किया और जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया अच्छी तरह, तो उसे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में कुछ तो अच्छा न्यूज़ आने वाला है और मार्केट जो है कि जैसा मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि एक बॉटम बना है मार्केट का और उसका जो मैंने लो बताया था, टॉप लॉस बताया था 10,848, तो वहीं से मार्केट एक रिकवरी किया था लास्ट वीक में भी। और लास्ट वीक में आपको वो मैं आपको स्टॉप लॉस बताया था, वहाँ तक मार्केट गया भी नहीं और वही अभी बेस या फिर सपोर्ट बन सकता है। लेकिन मार्केट अभी थोड़ा ऊपर भी आया है तो अभी नज़दीक वाले सपोर्ट जो है वो देख के भी आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट वीक के लिए क्या सपोर्ट रहेगा मैं आपको बताता हूँ। जो नज़दीक वाला एकदम सपोर्ट जो है वो है 10,926। अगर आपने नज़दीक को आपको टॉप लॉस लगाना है, अगर आप मार्केट को पॉजिटिव देख रहे हैं तो एड्स पर चार्ट मार्केट पॉजिटिव लग रहा है, 10,926 का आप एक टॉप लॉस नज़दीक वाला लगा सकते हो। उसके नीचे 10,848 का जो टॉप लॉस है, अगर इस मार्केट पॉजिटिव नहीं होते हुए अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है, जैसे कि मार्केट टेक्निकली तो पॉजिटिव है लेकिन फंडामेंटली मार्केट पॉजिटिव नहीं है, फंडामेंटल में जियो पॉलिटिकल जो प्रेशर है, जैसे कि इंडिया में भी अपने खुद कंट्री में भी एक जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा है, आपको मालूम है वर्ल्ड में भी चल रहा है, करेंसी वॉर और ट्रेड वॉर चल रहा है, अगर इसमें से कोई ख़राब न्यूज़ आती है तो मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। अगर हमको मार्केट पॉजिटिव लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए। टेक्निकल हर टाइम पे चलता है ऐसा नहीं है, जब भी फंडामेंटल उसके ऊपर हावी हो जाता है तो टेक्निकल के अपने टॉप लॉस होते हैं। तो लास्ट जो टॉप लॉस रहेगा ये रैली का वो रहेगा 10,786 जो मैंने आपको बताया और ये बॉटम बन गया था, राइट। लास्ट वीक में भी बहुत सारे जो अपने लेवल थे निफ्टी के, इंट्राडे के, बहुत अच्छे चले और देखो मार्केट अप या डाउन होता है फिर भी अपने लेवल अच्छे चलते और हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे कि मार्केट को रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। 11,077 नज़दीक वाला, उसके ऊपर है 11,118 जो मैं आपको बहुत बार बताया और बहुत बार वो वर्क हो गया। 11,118 अगर वो पार करता है तो 11,300 तक जा सकता है। 11,300 एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, वहाँ आके मार्केट क्या करता है वो देखना चाहिए। और डेली का जो वीडियो रहते हैं उसमें भी मैं आपको जैसे कि इन्फॉर्म करते रहूँगा कि मार्केट में कौन से लेवल वर्क करते हैं या कौन से लेवल आ सकते हैं। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट का जो बॉटम आउट था जो मैंने आपको लास्ट वीक अपने शेयर किया था वो बॉटम आउट करीब करीब हो गया है। फिर भी फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर आप ध्यान रखना और टेक्निकल ऐसा नहीं कि 100% वर्क होता है, तो आपको फंडामेंटल भी देखना चाहिए। सेक्टर वाइज मैं आपको बोलूँ तो जैसे मुझे लग रहा है कि PUC बैंक में कुछ खबरें आने वाली है और ऑटो में, तो शायद ये फ्राइडे को पॉजिटिव हो गए थे तो मंडे को भी PUC बैंक ऑटो सेक्टर पे आपको ध्यान रखना है, वो पॉजिटिव हो सकते हैं। नेगेटिव में फार्मा स्टॉक है और IT, जैसा मैंने आपको एक बार बीच में ULD IRR का आपको चार्ट मैंने शेयर किया था, तो चार्ट के ऊपर देखिए कि रेजिस्टेंस था और वो रेजिस्टेंस अभी डॉलर ले रहा है, तो उसके वजह से IT जो सेक्टर है वो थोड़ा सा प्रेशर में हो सकता है। दोस्तों हम लोग अभी पूरे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है निफ्टी के वो जाके हम लोग चार्ट पे देखेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि आने वाले 25 तारीख को हमारा जो है कि एक संडे स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है, वो 2 महीने का रहता है, 2 से 5 का टाइम रहेगा और उसमें हम लोग पूरा बेसिक से एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कवर करेंगे। जिन्हें भी दोस्तों को एक कोर्स अटेंड करना है वो यहाँ पे मैं आपके साथ जो है कि मैं शेयर करता हूँ हमारा एक स्लाइड, तो उसमें पूरे डिटेल्स है, वो देख के आप हमसे कांटेक्ट करके वो कोर्स में आ सकते हैं। और दोस्तों करीब करीब अपने चैनल के ऊपर 28,000 सब्सक्राइबर अभी होने आए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। हम लोग वीकली व्यू कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे। जैसे कि मंथली का चार्ट है निफ्टी का, तो यहाँ पे देखिए मंथली चार्ट में कि निफ्टी ने जिस लेवल पे पहले ही सपोर्ट लिया था और वहाँ पे रुक के फिर से ऊपर आया था, तो वही लेवल के आसपास फिलहाल मार्केट अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है।
तो और आप लोग वीकली में देखेंगे तो वीकली में देखिए कि मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाया था और लास्ट वीक में वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर ग्रीन क्लोज दिया था और ये वीक में ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोज दिया है लेकिन कैंडल रेड है, लेकिन ये कैंडल जो है कि जस्ट लाइक हैमर, तो हैमर टाइप कैंडल है। तो यहाँ से नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है। हम लोग डेली में देखेंगे तो देखिए कि डेली में जो है यहाँ पे मैंने लास्ट वीक में आपको एक लेवल बताया था जो था 10,848। तो मैंने कहा था कि इसके नीचे अगर मार्केट नहीं जाता है तो मिस मार्केट होल्ड कर सकता है, उसके ऊपर नहीं गया। लेकिन लास्ट वीक में देखिए कि एक उसने एक सपोर्ट लिया, लगभग तीन दिन इसके नीचे उधर आने के बाद वहां से मार्केट ने वापस से बाउंस बैक किया, तो वो लेवल था 10,926। तो ये लेवल से मार्केट ऊपर जा रहा है। और दूसरा कि अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ये लेवल से यहाँ तक, तो ये लेवल बरोबर है जो कि फ्राइडे को यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। तो अभी मार्केट जो है अपने जो सपोर्ट है वो ऊपर के लेवल पे धीरे धीरे कर रहा है, तो इसे पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहता है। जब तक कि कोई फंडामेंटल न्यूज ना आ जाए, कुछ नेगेटिव बड़ा न्यूज ना आ जाए, मार्केट टेक्निकली यहाँ पे अभी पॉजिटिव लग रहा है। और जो हमारा सपोर्ट था जो मैंने आपको बताया था कि 10,786, जब भी यहाँ से मार्केट कवर हुआ है और उसके बाद मार्केट ने एक बॉटम बनाया था, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। तो यहाँ से मार्केट क्लियरली आपको लग रहा है कि ऊपर जाने के लिए ऐसा लग रहा है। दूसरा है कि अगर आप मार्केट में जैसे कि पॉजिटिव हो तो पहला जो आपका टॉप लॉस रहेगा 10,926 का, उसके बाद अगर आपको बड़ा टॉप लॉस चाहिए तो 10,848 का टॉप लॉस रहेगा। और मार्केट अगर नेगेटिव ही होता है, हम लोग सोचेंगे कि अभी पॉजिटिविटी सब कुछ खत्म हुआ, तो वो लेवल जो रहेगा 10,786 जो ये यहाँ पे लो लेवल पे है। मार्केट में पॉजिटिविटी फिर से आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली 11,118 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो अच्छा खासा यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है 11,300 के आसपास। 11,300 के यहाँ पे जाने का वैसा मार्केट का माहौल भी बना है। अगर ये लेवल पे आने तक आपको थोड़ा देखना चाहिए कि मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स होता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है या फिर ये ब्रेक करता है। जब 11,300 ब्रेक करेगा तो 11,600 तक भी मार्केट जा सकता है, लेकिन ये तो एक दो दिन में नहीं होगा। मैं डेली में आपको ये लेवल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अगर रिसेंटली आपको मार्केट में जो नजदीक वाले लेवल है जहाँ पे आपको लॉन्ग जाना है, तो अगर आपको मंडे को भी लॉन्ग जाना है तो 11,077 के ऊपर जाएगा तो आप मार्केट में लॉन्ग कर सकते हो निफ्टी में। और शॉर्ट के लिए 11,005 का जो लेवल है, मैं थोड़ा सा आपको इंट्राडे लेवल भी बता देता हूँ कि देखिए जो मैं लेवल मैं प्लॉट करता हूँ तो उसके इंट्राडे में भी कैसे यूज होता है। देखिए तो निफ्टी का जो लेवल था ए वाला, तो यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताया जो था 10,926 के ऊपर, यहाँ से देखो फ्राइडे को सपोर्ट लिया, नेक्स्ट अपना लेवल था 11,005 का, तो यहाँ पे भी देखो ब्रेकआउट करके यहाँ पे जो है कि मार्केट ने प्राइस एक्शन दिखाया और यहाँ तक उसने एक अच्छा रैली किया। तो देखिए कि जो लेवल से अगर आप फॉलो करते हो, जो डेली में हम लोग प्लॉट करते हैं वो इंट्राडे में भी बहुत अच्छे चलते हैं। तो जो मैं लेवल आपको बताया जो इंट्राडे और डिलीवरी के लिए निफ्टी के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हो। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने कुछ आपको यूएसडी आईएनआर का भी चार्ट बताया था और यूएसडी आईएनआर में मैंने आपको बताया था कि ये लेवल के आसपास एक रेसिस्टेंस आएगा, वो था 71.48 और 71.7385। तो ये लेवल पे देखिए कि डॉलर को रेसिस्टेंस आ रहा है और उसकी वजह से जो आईटी स्टॉक में भी थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रहा है। तो ये लेवल भी आप याद रखना, नेक्स्ट टाइम जैसे कि जब भी डॉलर वीक होता है तो मार्केट के लिए अच्छा है, तो यहाँ पे डॉलर रेसिस्टेंस लेते दिख रहा है तो ये नेक्स्ट वीक में अपने मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, मुझे जैसे कि आप अगर फ्राइडे का कैंडल देखो तो मुझे ये कि निफ्टी से भी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है कि जैसे कि पीयूसी बैंक में जो है कि स्ट्रांगनेस फिर से आ रहा है और उसका शायद कुछ न्यूज भी आने वाला है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। बैंक निफ्टी के लेवल भी बहुत क्लियर है, नीचे का जो सपोर्ट है नजदीक वाला 27,738 और उससे भी जो अहम सपोर्ट है जो कि बैंक निफ्टी का हम लोग पूरा पॉजिटिविटी यहाँ पे सबका टॉप लॉस रहेगा वो हो सकता है 27,500। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, अगर पूरा मार्केट रिवर्स हो जाएगा तो ये ब्रेक होके ही हो सकता है।
और ऊपर वाला जो एक लेवल है 28,600, ये जो आता है 597 है, 28,600 ये, अगर ये लेवल जिस दिन ब्रेक होगा तो मार्केट यहाँ से इंट्राडे में भी 300-400 पॉइंट का एक जो कि रैली कर सकता है या डिलीवरी में भी। तो ये बड़े बड़े लेवल आप याद रखना, जब भी आप जो वीकली हम लोग व्यू करते हैं तो उसमें ये लेवल आपको याद रखना है, ये कोई भी नेक्स्ट वीक में कौन से भी दिन में ये काट सकते हैं। लेकिन आपको बैंक निफ्टी में अगर मंडे को ट्रेड करना है तो वो लेवल रहेगा 28,370 के ऊपर, इसमें आप लॉन्ग पोजिशन ले सकते हो, ये बहुत अच्छा लेवल है। शॉर्ट के लिए जो रहेगा 28,143 और उसके नीचे 28,053 के नीचे ये शॉर्ट हो सकता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी का भी जो चार्ट है मुझे पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पॉजिटिव है तो आप इसमें ब्लाइंडली लॉन्ग करो, तो ये लेवल जब भी ब्रेक होते हैं और प्राइजेशन बनता है उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। यानी कि जब भी हमको जो मार्केट जो है कि स्ट्रांग दिखता है तो हमको जो बाइंग वाले जो कॉल है वो थोड़े एग्रेसिवली लेने पड़ेंगे विथ स्टॉप लॉस, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाइंग वाले ही कॉल लेने पड़ेंगे, तो ये भी चीज़ आप याद रखो। दोस्तों आपने कुछ स्टॉक पूछे थे, उन स्टॉक के बारे में मैं बात करता हूँ। तो पहला जो स्टॉक है मिस्टर अतुल ने पूछा है जो है कि डिवीज लाइफ के बारे में, तो देखिए कि डिवीज लाइफ का ये जो चार्ट देखेंगे तो मुझे इतना ही स्ट्रांग नहीं लिख रहा है, लेकिन एक सपोर्ट के यहाँ पे क्लोज हुआ था, लेकिन जो लेवल था उसका क्लोजिंग लेवल सपोर्ट के ऊपर ही आ रहा है बराबर। तो यहाँ पे मैं आपको उसका दूसरा जो लेवल बताता हूँ, अगर आपको सेफ साइड बाय करना है तो 1452 के यहाँ पे अगर मिलता है तो आप बाय कर सकते हो 1425 का टॉप लॉस लगा के, या फिर आपको बाइंग में बाय करना तो ये लेवल के ऊपर जब भी निकलता है 1539 के ऊपर अगर निकलता है फिर आप बाय कर सकते हो ये 1506 का टॉप लॉस लगा के। अभी ये बाय करना थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि जो टॉप लॉस का लेवल है वहीं पे ये खड़ा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है सेंट्रल बैंक, मुझे पूछा है गणेश जी ने, तो सेंट्रल बैंक का चार्ट देख लेते हैं। देखिए ये स्टॉक बहुत छोटा है, आपने पूछा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो मोस्टली मैं 50 के नीचे वाला स्टॉक कवर ही नहीं करता हूँ। यहाँ पे अगर आपने बाय किया होगा तो इसका जो टॉप लॉस है ₹17 आप टॉप लॉस लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे बाइंग का जो सिनेरियो बनेगा तो ये जो है कि 21 रुपीज़ के ऊपर जाता है तभी इसका एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है। रिलायंस में मुझे पूछा है रामजी करके, उन्होंने मुझे रिलायंस के बारे में पूछा है, तो रिलायंस का चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए रिलायंस का चार्ट हमें नॉर्मली हम लोग इसको फॉलो करते हैं, तो इसका एक जो डाउन ट्रेंड था तो एक जो कि सब ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, लेकिन मेन ट्रेंड लाइन उसने ब्रेक किया था लेकिन रिवर्स हुआ है, और ऊपर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने डाला था 1303, ये मैं बहुत टाइम से आपको बोला हूँ कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो बार सपोर्ट लिया था और यहाँ पे ये दो बार रेजिस्टेंस लिया है, तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंस है, तो एक बार में ये ब्रेक होना चाहिए था, हुआ नहीं वो अलग बात है, लेकिन जब भी ये ब्रेक होता है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेड करने को। और नीचे जो रिलायंस का है 1272 के नीचे इसको शॉर्ट कर सकते हो, 1248 का एक लेवल आएगा और उसके बाद 1231, अगर 1231 ब्रेक होता है तो फिर से ये डाउन ज़्यादा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है जब भी 1303 बाय होता है आप रिलायंस में लॉन्ग पोजिशन ले सकते हो, बहुत अच्छा एक मोमेंटम आपको मिल सकता है। नेक्स्ट जो है कि एलएनटी के बारे में मुझे पूछा है मिस्टर आलोक जी करके, उन्होंने तो एलएनटी का चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए एलएनटी में बहुत ड्रैग डाउन हुआ था, बहुत नीचे आया था और एक सपोर्ट के यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, फिलहाल आप बाय करेंगे तो टॉप लॉस थोड़ा नीचे है, 1285 का टॉप लॉस है, तो अगर इसमें बाय करना है तो 1303 के आसपास आ जाए तो इसको बाय करिए और उसका टॉप लॉस 1285 लगाएंगे तो चलेगा, और उसका टारगेट आएगा 1371 के और 1400 के आसपास आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग देखेंगे HDFC, तो HDFC जो पूछा है मुझे आलोक जी ने पूछा है, तो ये HDFC लिमिटेड हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए HDFC लिमिटेड है यहाँ पे ये कुछ स्ट्रांग बाइंग या स्ट्रांग सेलिंग नहीं आ रहा है, तो ये इन बिटवीन है, अगर इसमें यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल आता है तो भी टॉप लॉस आप 2064 के टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, लेकिन फिलहाल नहीं, यहाँ पे एक दिन तो पॉजिटिविटी आना चाहिए। लेकिन अगर ये जो लेवल है 2039 के नीचे अगर ये ब्रेक होता है तो ये ज़्यादा पैनिक हो सकता है। नेक्स्ट जो है कि टाटा स्टील के बारे में मुझे पूछा है गिरीश करके, उन्होंने, तो हम लोग टाटा स्टील का चार्ट थोड़ा देख लेते हैं।
तो एक टाटा स्टील का मैंने बहुत दूर का एक सपोर्ट यहाँ पे निकाला था, तो यहाँ पे ये सपोर्ट तो ले रहा है लेकिन ज़्यादा स्ट्रांग अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पे आपको पोजीशन लेना है तो आपको टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 345 का टॉप लॉस यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। अगर 345 के नीचे जिस दिन क्लोज देगा तो ये ज़्यादा पैनिक हो सकता है। नहीं, जो स्टॉक है SRF का, तो SRF के बारे में मुझे पूछा है रमेश करके उन्होंने, तो SRF का स्टॉक जरा हम लोग चार्ट बड़ा करके देख लेते हैं। देखिए कि SRF ने एक अच्छी तरह जो कि मूवमेंट किया था और उसके बाद ये इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ गया है। अभी रिट्रेसमेंट आने के बाद एक सपोर्ट एरिया भी क्लोज हुआ है और अभी के इसमें भी इसमें बाइंग हो सकता है, लेकिन टॉप लॉस है 2828 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा के इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे में भी बाई करना है मंडे के, तो 2920 के ऊपर अगर जाता है तो इसमें इंट्राडे का आप एक ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट जो है कि बलरामपुर चीनी के बारे में मुझे पूछा है सिद्धार्थ करके उन्होंने, तो ये बलरामपुर चीनी का चार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे ड्रैग डाउन हुआ था और एक सपोर्ट लेके अभी ये ऊपर जा रहा है, तो अच्छी सपोर्ट से यहाँ पे ऊपर जा रहा है, लेकिन उसका जो टॉप लॉस है 110 का हो रहा है। ये लेवल पे आप बाय कर सकते हो या थोड़ा नीचे आने के बाद भी आप बाय कर सकते हो। नजदीक का टारगेट है उसका 125 का है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद बाय करना ठीक रहेगा, या तो फिर ऊपर जो है 125 ब्रेक करता है तो एक नया और एक उसमें ट्रेड आपको मिल सकता है। नेक्स्ट जो है कि एशियन पेंट के बारे में मुझे पूछा है अबू सिद्दीकी करके उन्होंने, तो देखिए एशियन पेंट जो है कि अभी जैसा फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं तो एशियन पेंट, बजट पेंट जैसे स्टॉक है बहुत अच्छे रन कर रहे हैं और एशियन पेंट का जो स्ट्रक्चर बना है बहुत ही पॉजिटिव है और ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, तो ये ज़्यादा रन कर सकता है। अभी का जो उसका टारगेट बन रहा है 1640 का नज़दीक वाला उसका टारगेट बन रहा है, लेकिन अभी आप बाय करेंगे तो नीचे वाला जो लेवल है 1528 का एक उसका एक टॉप लॉस आ रहा है। तो इसमें दो तरीके से भी बाय कर सकते हैं। अभी आप बाय करेंगे तो यहाँ कहीं आपको 1560 के आसपास इसको टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर नेक्स्ट आप बाय करना चाहते हो टारगेट होने के बाद, तो ये जो लेवल था 1640 का लेवल ब्रेक करता तो तभी बाय कर सकते हो, या तो फिर से इसको रिट्रेस होके यहाँ पे 1528 के लेवल से रिट्रेस होके बाउंस करता है तभी भी बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे तीन सिनेरियो है, करंट लेवल पे बाय करो, नजदीक वाला 1560 का टॉप लॉस लगा सकते हो, टारगेट रहेगा 1640 का, या तो फिर 1640 ब्रेक होता है नया बाइंग होता है, या फिर और रिट्रेस 1528 की इधर यहाँ पे रिट्रेस होता है तो यहाँ पे भी बाइंग होता है। फिलहाल ये जो स्टॉक है बहुत ही स्ट्रांग है और भी अच्छा ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है मुझे पूछा है एक्सिस बैंक के बारे में उज्जवल करके उन्होंने पूछा है, तो एक्सिस बैंक का चार्ट देख लेते हैं। तो देखें कि एक्सिस बैंक भी एक अच्छे सपोर्ट लेवल से रिवर्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है नजदीक है वो है 682, तो अगर 682 ब्रेक होता है तो तभी आप बाई करेंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक लेवल भी ब्रेकआउट होगा और उसमें स्ट्रेंथ भी आ जाएंगे, तो आपको नेक्स्ट वीक में एक लेवल ये मिल सकता है, मौका मिल सकता है ऊपर वाला गैप और ऊपर वाला जो लेवल है 716 यहाँ तक भी ये जा सकता है, तो ये ब्रेकआउट होने का आप वेट करो। नेक्स्ट जो है कि बजाज ऑटो के बारे में मुझे पूछा है मौलिक जी उनका रोके उन्होंने, तो देखिए कि ऑटो सेक्टर में थोड़ा मोमेंटम आ रहा है और बजाज ऑटो और भी अच्छा चल सकता है। इसका नजदीक वाला जो लेवल है ऑलमोस्ट फ्राइडे का जो हाई 2759, उसके ऊपर भी आप इंट्राडे के लिए चाहे तो बाय कर सकते हो। 2818 का एक नजदीक वाला एक टारगेट है वो आ सकता है। आप डिलीवरी में बाय किया तो थोड़ा टॉप लॉस जो है कि उसका नीचे लगा सकते हो, 2649 का टॉप लॉस उसमें लगा सकते हो। ओवरऑल बजाज ऑटो का जो स्टॉक है मुझे स्ट्रांग लग रहा है। उसके बाद है मुझे वेदांता के बारे में नीलेश जी करके उन्होंने पूछा है, तो वेदांता का थोड़ा चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए मोस्टली वेदांता जो है ये कि मेटल स्टॉक है, तो ये अपना ट्रेड वॉर के उसके ऊपर वो चलता है, लेकिन मेटल में ये जो स्टॉक है वो टेक्निकली अच्छा चलता है। तो यहाँ पे फिलहाल जो फ्राइडे का कैंडल आया है तो थोड़ा सा एक साइडवेज टाइप आ गया है। यहाँ पे आपने बाय करना है तो 136 का आप यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर इसमें स्ट्रांगनेस आता है तो ये जो बड़ा कैंडल है तो इसका जो हाई था 148 है, तो 148 है उसके ऊपर अगर बाय करते हैं तो इसमें नया ही स्ट्रेंथ आ सकता है और ऊपर 145 तक ही जा सकता है, तो ये लेवल याद रख के आप उसमें ट्रेड कर सकते हो।
नेक जो है मुझे इन्फोसिस के बारे में मुझे पराग जी करके उन्होंने पूछा, तो देखते कि इन्फोसिस जैसा कि आईटी स्टॉक है और मैं थोड़ा बोला कि आईटी स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसने जो कैंडल बनाया थोड़ा एक अच्छी तरह पॉजिटिव कैंडल तो शेप पॉजिटिव है, भले कैंडल नेगेटिव हो जाए। अगर इन्फोसिस में 780 के ऊपर अगर जाता है तो इसमें आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे टॉप लॉस हो सकता है इसका 771, ये जो इंट्राडे के लिए एक ट्रेड बन सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक है जो आपने पूछे थे, तो इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं जो आपका लेवल बता रहा हूँ वो वैसे ही चलेंगे, तो ये मेरे टेक्निकल व्यूज है और ये मेरे टेक्निकल स्टडी के ऊपर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी देते जाइए। तो आपके कमेंट्स आते और आप शेयर करते हो और जितने आपके ज़्यादा लाइक आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि नए वीडियोज़ बनाने के लिए। और भी फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोज़ आते रहेंगे मेरे, तो वो भी आप देखते जाओ। और जिनको भी मेरे साथ आके टेक्निकल एनालिसिस सीखना है संडे बैच में या हो या फिर लाइव मार्केट में भी, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे आ सकते हो, मेरे साथ टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। दोस्तों वंस अगेन वेरी वेरी थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।